हरे कृष्णा। तो एकादशी के दिन नियम है प्रभुपाद लीला मृत से पाठ करना। तो यहाँ पर जो कथा है वो चल रही है 1968 की ये घटना है ना। तो प्रभुपाद लांग ब्रांच में 3 महीने रहे है ना। तो ये जो है जैसे न्यूयॉर्क है और लॉस एंजलिस, उसी पर से लांग ब्रांच एक स्थान है, 3 महीने रहे। लेकिन जब श्री कृष्ण पंडित का पत्र मिला कि अमेरिका जाने को किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की व्यवस्था नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पर श्री कृष्ण पंडित की बात आ रही है। श्री कृष्ण पंडित का पत्र मिला प्रभुपाद को। तो श्री कृष्ण पंडित को आप लोग जानते हैं कौन है? यहाँ पर जो प्रभुपाद जी मिला है। हाँ, तो यहीं पर रहते थे। तभी बड़े आश्चर्य की बात है मुझको जो है जो यहाँ जहाँ से पाठ करने को मिला है तो श्री कृष्ण पंडित की बात आई है। इसी स्थान में श्री कृष्ण पंडित रहते थे। प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद का कमरा ये जो भी बना हुआ है ऊपर जहाँ प्रभुपाद की मूर्ति है इस प्रकार से, तो श्री कृष्ण पंडित भी इसी मंदिर में रहते थे। तो प्रभुपाद जो है अपने कमरे की भी देखभाल उन्हीं के ऊपर छोड़ गए थे। और प्रभुपाद का जो है पत्र हमेशा श्री कृष्ण पंडित के पास आता रहता था। प्रभुपाद कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं और कैसी सफलता मिल रही है, कितनी सफलता मिल रही है, तो वो सब सूचना जो है श्री कृष्ण पंडित को प्रभुपाद भेजते रहते थे। तो श्री कृष्ण पंडित यहीं पर ही रहते थे और प्रभुपाद के विशेष जो है शुभ चिंतक थे। तो प्रभुपाद 1967 में आ चुके हैं भारत और उनको जो है स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। 1968 में फिर से कुछ बाधा हुई प्रभुपाद के स्वास्थ्य में और उन्होंने जो है श्री कृष्ण पंडित को लिखा था। तो प्रभुपाद बार बार भारत आए तो उससे अच्छा है कि प्रभुपाद ने सुझाव दिया था श्री कृष्ण पंडित को कि भारत से कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर आ जाए उनकी देखभाल करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो श्री कृष्ण पंडित ने जो है ये सूचना दी, पत्र प्रभुपाद को पत्र मिला कि अमेरिका जाने को किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक है ना, तो प्रभुपाद की चिकित्सा करने के लिए अमेरिका जाएं, इतना कष्ट कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। तो श्री कृष्ण पंडित का पत्र मिला है ना। तब प्रभुपाद गंभीरतापूर्वक भारत लौटने की सोचने लगे। तो प्रभुपाद गंभीरतापूर्वक मुझे ही भारत लौटना पड़ेगा, प्रभुपाद सोच रहे हैं कि मुझे ही भारत लौटना पड़ेगा। भारत में उन्हें सूर्य का प्रकाश और आयुर्वेदिक उपचार मिल सकेगा क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता, सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है, अगर होता भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए सूर्य का प्रकाश होता है, नहीं तो होता ही नहीं, पूरा जो है समय ठंडा रहता है ना। और ये किस समय की बात है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रभुपाद जो है आठ जून को वे लोग अस्पताल छोड़कर बाहर आए। प्रभुपाद लॉन्ग ब्रांच के मकान में जाने के पहले 26 सेकेंड एवेन्यू मंदिर में थोड़ी देर रुकना चाहते थे। तो 8 जून का समय है ना, तो जून के बाद फिर ये जून के बाद का समय है ये है ना। तो फिर ठंड बहुत बढ़ गई वहाँ है ना, तो वहाँ फिर जो है सूर्य का प्रकाश मिलता ही नहीं, तो सूर्य के प्रकाश की बहुत आवश्यकता है हमारे शरीर को। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी मिलेगा और आयुर्वेदिक उपचार भी मिलेगा, तो सोच रहे हैं कि भारत लौटूं। लेकिन उनकी योजना दिन प्रतिदिन बदलती रही। सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, इंडिया, न्यूयॉर्क है ना, तो कभी योजना बनती है सैन फ्रांसिस्को जाने की, कभी योजना बनती है मॉन्ट्रियल जाने की, कभी इंडिया जाने की, कभी न्यूयॉर्क जाने की, योजना बदल रही है।
उन्होंने कीर्तन आनंद से सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को सूचित करने को कहा कि यदि वे रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं तो वे वहाँ जाएंगे। तो भारत जाने का भी कार्यक्रम जो है बदल गया। तो भारत जाना था प्रभुपाद को, लेकिन उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को कहा। सैन फ्रांसिस्को में एक रथ यात्रा हो चुकी 1967 में, अब 1968 की दूसरी रथ यात्रा होनी है। तो प्रभुपाद ने लिखा उनको, है ना, कि अगर वे जो है रथ यात्रा मनाएंगे तो सैन फ्रांसिस्को जाएंगे जून के अंत में। अच्छा हाँ, तो जून का अंत हो, तो जून 1968 जून का ही समय है ये। जून के अंत में वे 26 सेकेंड एवेन्यू लौटे। तो 26 सेकेंड एवेन्यू ये न्यूयॉर्क में है, हा? तो वहाँ लौटे मतलब लॉन्ग ब्रांच से 26 सेकेंड एवेन्यू यानी न्यूयॉर्क में पहुँचे और फिर अस्पताल में जांच के लिए गए। अस्पताल में जांच के लिए गए तो डॉक्टर को स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ पर आश्चर्य हुआ। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना इनका जो है स्वास्थ्य सुधर गया। तो प्रभुपाद का जो स्वास्थ्य है वो भगवान के हाथ में है। तो भगवान जो है लीला करते हैं। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि बिना किसी उपचार के इनका इतना स्वास्थ्य लाभ कैसे हो गया। और उसने उनके सैन फ्रांसिस्को की हवाई यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं की कि ठीक है आप प्लेन से आप सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। इसलिए दोपहले आकाश की खोज में और अपने अनुयायियों की पहली रथ यात्रा को संपन्न करने में मार्गदर्शन देने की उत्कंठा में स्वामी जी ने अपने और कीर्तन नंद के नाम में दो हवाई टिकट बुक करा दिए सैन फ्रांसिस्को अर्थात नई जगन्नाथपुरी के लिए। तो सैन फ्रांसिस्को क्या है, न्यू जगन्नाथपुरी। तो प्रभुपाद ने जो है अमेरिका के शहरों को भी जो है आध्यात्मिक नाम दिए, जैसे भक्तों को दीक्षा देते हैं तो आध्यात्मिक नाम देते हैं, उसी प्रकार से अब भक्तों को दीक्षा देते हैं तो आध्यात्मिक नाम देते हैं, तो दोनों नाम चलते हैं, भक्तों के दोनों नाम चलते हैं। क्योंकि पहले के नाम पर उनके सब जो है आईटी वगैरह सब कुछ है, अकाउंट वगैरह सब है, तो पहले का नाम ही चलता है और आध्यात्मिक नाम भी चलता है। उसी प्रकार से सैन फ्रांसिस्को नाम भी शहर का चलता है और न्यू जगन्नाथपुरी भी नाम चलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जगत गुरु, तो शहर के भी गुरु, शहरों को भी नाम देते हैं प्रभुपाद। तो यहाँ ये प्रकरण जो है यहीं पर ही समाप्त होता है कि प्रभुपाद जो है जगन्नाथपुरी के लिए टिकट बुक करा लेते हैं। ये प्रकरण का नाम था हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो 1967 में प्रभुपाद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा था कि नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे गुरु महाराज का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें कुछ और समय दिया जाए, नहीं तो उनका शरीर छूटने वाला था। और भक्तों की प्रार्थना से ऐसे चलने दो बस ठीक है। तो भक्तों की प्रार्थना से प्रभुपाद ने फिर उनको पत्र लिखा था कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तुम्हारी प्रार्थना से मेरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। चलो प्रभुपाद लीलामृत की जय। ये जो आज की एकादशी है इसका नाम क्या है, षट तेला एकादशी। षट तेला, षट का मतलब क्या होता है, षट, षट और तेला, एकादशी का नाम है षट तेला। षट का मतलब क्या होता है कोई नहीं जानते हैं, हाँ बोलो, किसने बोला, अरे डर के सही बोला, बोलो छः, हाँ छः, तो डर गए मैंने, मुझे तो डर गए
इतना डरते हैं। षट का मतलब छः है और तिला का मतलब तिल वाली, जिसमें छः प्रकार के तिल का प्रयोग किया जाता है, तो षट तिला एकादशी है। तो इसको हम समझेंगे। इसका जो महात्मा है भविष्योत्तर पुराण में है। कौन से पुराण में? भविष्योत्तर पुराण में है। तो दाल भी ऋषि पुलस्त्य मुनि से पूछते हैं, कौन से मुनि हैं पूछने वाले, कौन है? दाल भय मुनि पुलस्त्य मुनि से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि मर्त लोक में उत्पन्न जीव पाप करते हैं और ब्रह्म हत्या भी करते हैं। मर्दलोक तो संप्राप्त पापम कुर्वन्ति जंतव ब्रह्मत्यादि पापैश्चा विविधैर्युता। पराय धन का अपहरण करने वाले दूसरे व्यसनों से भी सम्मोहित होते हैं। हे ब्रह्मन, ऐसे लोगों को नरक से बचने का उपाय मुझसे कहिए। ऐसे लोग तो नरक में जाएंगे, लेकिन क्या उपाय है नरक से बचने का, क्या उपाय है ये बताइए। परद्रव्यापहाराश्च परे व्यसन मोहिता कथम न जानति नरकान ब्रह्मन तंद्रोही तत्वतः। छोटे से प्रयास से पाप शांत हो, ऐसा उपाय कहिए। तो ऐसे जो है ये ऋषि मुनि जो है सामान्य जनता का हित चिंतन करते हैं, है ना कि छोटे से प्रयास से पाप शांत हो जाए। अनायास है न भगवान दाने नल्पे न के न चिन्ह पापम प्रशमम आयाति ये न तन वक्तुम अर्हसि। तो पुलस्त्य मुनि बोले, कौन मुनि बोले? पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग साधु 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 साधु। क्या मतलब? आपने जो प्रश्न किया बहुत उत्तम है, साधु साधु। साधुवाद दिया, जैसे कहते हैं साधुवाद, जैसे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद, उसी पर साधुवाद, है ना। तो साधुवाद दिया, किसने साधुवाद दिया? पुलस्त्य मुनि। किसको दिया? किसको दिया? दाल भय मुनि। कौन से मुनि? दाल भय मुनि को साधुवाद दिया। हाँ, बहुत गुप्त बात पूछी है। पुलस्त्य मुनि बोले, बहुत गुप्त बात पूछी है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र और देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं बताया। कह रहे हैं साधु साधु महाभाग गुह्य में तनुदाहृतम यन्न कश्याचिदाख्यातम ब्रह्म विष्णु इंद्र देवते। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे पूछने से वो गुप्त व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पूछने से मैं वो गुप्त व्रत तुमसे कहता हूँ, है ना। तो फिर वो बताते हैं कि कृष्ण पक्षी माघ कृष्ण पक्षी एकादशी। ये कौन सी एकादशी है? माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, हैं? तो इसके जो है कुछ नियम ग्रहण करो। स्नान करके शुद्ध हो करके सावधान मन से देवों के देव जो भगवान हैं उनका पूजन करे, और छींक आए तो भी कृष्ण का नाम बोलना, जमाई आए तो भी कृष्ण का नाम बोलना। छींक आती है तो कृष्णा, आक्षी कृष्णा, जमाई आ कृष्णा, जमाई आए तो भी कृष्णा, छींक आए तो भी कृष्णा बोलना है, है ना। तो ये जो है नियम है, नियम है। छींक आए जमाई आए तो सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। देव देवम समभ्यच सुस्नाता प्रेता शुचि कृष्ण नामानि संकीर्त छुंद्रिंभासु च सर्वदा। जनार्दन का पूजन करके कहे कि हे कृष्ण, हे कृपालु, हे गति रहित को गति देने वाले, गति रहित को गति देने वाले, जिसकी कोई गति नहीं है उसको आप गति देने वाले हैं। कृष्ण कृष्ण कृपालो तुम अगति नाम गति प्रदय। संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के ऊपर आप प्रसन्न होइए। जो संसार समुद्र में डूब रहा है मनुष्य, उसके ऊपर आप प्रसन्न होइए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन,
तुमको नमस्कार है। संसाराणव मग्नानाम प्रसीद परमेश्वर नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावन। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरी पूजा को लक्ष्मी सहित आप ग्रहण कीजिए। सुब्रह्मण्य नमस्ते स्तु महापुरुष है पूर्वज ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। तो इसमें जो छह तिल वाली एकादशी है सत्तिला, तो छह प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से छह प्रकार से आज के दिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। पहला तो क्या है, तिल जल में मिलाकर के स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल को पीस करके उपटन लगाना। तीसरा, तिल का होम करना। चौथा, तिल मिला जल पीना। पांचवा, तिल का भोजन करना। और छठा, तिल का दान करना। छह प्रकार से ये तिल पापनाशक है। ये सब विधि जो है पहले होती थी। कलयुग में तो विधि केवल हरिनाम की है, हम लोग नहीं करते ये सब इतनी विधियों का पालन। लेकिन जानना चाहिए सत्तिला नाम कैसे पड़ा, है ना। तो इस तरह से हम जो कर सकते करें, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हरि नाम का जप करना और भक्तों का संग करना, हरि कथा सुनना। तो ये जो है हमारे विशेष नियम है, लेकिन पता होना चाहिए। तिलस्ना ही तिलोद्वर्ती तिल होमी तिलोदकी तिल भोग तिल दाता चा सट तिला पाप नाशक। तो नारद मुनि अब भगवान कृष्ण से पूछते हैं इस एकादशी के बारे में। यानी पुलस्त मुनि जो कथा सुना रहे हैं वो अब नारद और कृष्ण का संवाद सुना रहे हैं। दाल मुनि सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं किससे, पुलस्त मुनि से। और पुलस्त मुनि जो है अब इस एकादशी का महात्म्य कुछ तो बताया उन्होंने, सत्यला एकादशी का मतलब ही बताया। अब जो है पुलस्त मुनि अब उद्धरण दे रहे हैं। प्राचीन काल में नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा था, तो नारद ने मुनि बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे भक्त भावन, आपको नमस्कार है। सत्यल्य एकादशी भूतम कीदृशम फलमश्नुते सोपाख्यानम मम ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि यादव। कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्त भावन। तो सत्यल्य एकादशी से उत्पन्न फल कैसे मिलता है, हे यादव, जो आप प्रसन्न हो तो इसकी कथा मुझे सुनाइए। तो नारद जी कहते हैं कि सत्यल्य एकादशी की कुछ कथा आप सुनाएं यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। कौन बोले, नारद जी। किससे बोले, श्री कृष्ण से बोले। तो श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मन, जैसे वृत्तांत मैंने देखे हैं वो मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, पहले समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। क्या, मृत्यु लोक यही है, हम लोग मृत्यु लोक में। मृत्युलोक में एक ब्राह्मण रहती थी, स्वर्गलोक और यह है मृत्यु, या मर्त्यलोक भी बोला जाता है। तो एक ब्राह्मणी रहती थी। सुनो ब्रह्मण यथा वृत्तम दृष्टम तन कथयामिते मृत्युलोके पुराहासीन ब्राह्मणी तत्र नारद। वो सदा व्रतों को करने में और भगवत पूजा करने में लगी रहती थी। क्या करती रहती थी, व्रत करती रहती थी और भगवत पूजा करती थी। सदा मेरी भक्त स्त्री महीने भर के व्रत करने में तत्पर रहती थी। रोज जो है भगवान के लिए जो है व्रत करती थी हमेशा, है ना। व्रतचर्य रता नित्यम देव पूजा रता सदा मासोपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा। श्री कृष्ण का व्रत उपवास करती, पूजा में परायण हो गई। सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो गया। हमेशा व्रत करना, अन्न नहीं खाना तो क्या हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्लेशित हो गया, उसका शरीर क्लेशित हो गया। कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा परायणा शरीरम क्लेशितम नित्यम उपवास हृदयोत्तम। वो अति बुद्धिमती स्त्री थी। वो स्त्री कैसी थी, अति बुद्धिमती स्त्री थी और दीन ब्राह्मणों को
सदा दान दे देती थी। क्या? दीन ब्राह्मणों को सदा दान देती थी और कुमारियों को भी भक्तिपूर्वक सदा दान देती थी, घर का भी दान देती, घर भी देती थी ना। दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामतिः। तो हे द्विज, वो अति कठिन व्रत में तत्पर हुई, व्रत करके उसका शरीर शुद्ध हो गया था। अतिकृत रता सा तो सर्वकालेषु वै द्विजय शुद्धमस्या शरीरम ही प्रत्येकृत न संशयः। तो उसने शरीर के इस क्लेश के कारण वैष्णवों को अन्नदान नहीं दिया, वो खुद ही अन्न नहीं खा रही और शरीर भी दुर्बल पड़ गया, अब अन्न को किसको खिलाएगी। तो दान तो देती थी है ना, घर का दान करती थी, धन का दान करती थी, या अन्नदान नहीं करती थी। तो क्या किया, वैष्णव ब्राह्मण को अन्नदान नहीं किया, जिससे परम तृप्ति होती है। अर्थिनम वैष्णवम लोकम काय क्लेशे न वेतया न दत्तम अन्नदानम ही ये न तृप्ति ही पराभवे। वो खुद ही भोजन नहीं बनाती, वो शरीर भी कमजोर हो गया, तो अब भोजन बना करके किसको खिलाएगी, किसके लिए भोजन बनाएगी, इतना शरीर दुर्बल हो गया उसका है ना। हे ब्राह्मण, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृत्युलोक में आया और कपिल ब्राह्मण रूप धरकर मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी। भगवान भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए कि क्या करती है ये, भोजन नहीं कराती किसी को और दान देती है लेकिन भोजन नहीं कराती। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आया इसके द्वार पर और क्या किया, क्या किया मैंने, भिक्षा मांगी उससे। ये तज्जिज्ञासया ब्रह्मन् मृत्युलोकम् उपागतः कापिलम् रूपमास्थाय भिक्षा पात्रेण याचिता। ब्राह्मणी बोली, हे ब्रह्मन् तुम कहाँ से आए हो, जहाँ से आए हो बताओ। परंतु मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी भिक्षा दे। तो भगवान अपना परिचय नहीं देना चाहते, अब भगवान थोड़ी चाहते कि बताएं कि मैं बैकुंठ से आया हूँ तेरी परीक्षा लेने के लिए। जब परीक्षा लेने के लिए आए तो थोड़ी अपना परिचय देंगे, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी, कहा कि सुंदरी भिक्षा दे तुम, भगवान की तुम भिक्षा दे। कस्मान तुमागत ब्रह्मन मदयस्मात् समागत पुनरेव मया प्रोक्तम देहे भिक्षाम च सुंदरी। हे द्विज, उसने बहुत क्रोध करके एक मिट्टी का पिंड हमारे ताम्र पात्र में डाल दिया गुस्से में, बता नहीं रहे ये ब्राह्मण कैसा है, बता नहीं रहे कहाँ से आया। तो गुस्से में मिट्टी का एक पिंड जो है मेरे ताम्र पात्र में डाल दिया। फिर मैं जो है वैकुंठ को चला आया। तया कोपे न महता मृतपिंडस्ताम्र भाजन हे क्षिप्तो यावत तया देव्या पुनः स्वर्गम गतो द्विजः। उसके बाद बहुत समय में व्रत करने वाली वो तापसी व्रत करने की से वो जो है वैकुंठ को प्राप्त हुई, हमेशा व्रत करती रही तो वैकुंठ को प्राप्त हुई। तथा काले ने महता तापसी सु महाव्रता कदाचिन स्वर्ग माया था व्रतचर्या प्रसादतः। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे सुंदर मनोहर घर पाया, मिट्टी का पिंड दिया था ना उसने, तो मिट्टी का बहुत बढ़िया घर उसको मिल गया। भगवान कहते हैं उसने मिट्टी का जो है टुकड़ा दिया था मुझे, तो वैकुंठ में उसको बहुत बढ़िया घर मिला। काय का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ घर मिला, अन्न दिया नहीं तो अन्न उसमें मिला ही, अन्न था ही नहीं उसके घर में, समझ गए। तो बहुत सुंदर घर मिला उसको मिट्टी का बना हुआ, और उसमें घर में धान का भंडार नहीं था, अन्न का भंडार नहीं था। वैकुंठ चली गई लेकिन तो भी कुछ कमी रही, कभी वैष्णवों को जो है उसने भोजन कराया नहीं है ना, तो उसको घर में क्या था, भोजन की सामग्री थी नहीं, दाल चावल है ना, गेहूँ आटा ये सब चीज़ें होना चाहिए ना, अपना भंडार होना चाहिए घर का, तो था ही नहीं कुछ है।
धन्य का भंडार नहीं था। मृत्पिंड से प्रभावेण है गृहम प्राप्त मनोरमम संजातम चैव विप्र से धान्य कोषाधि वर्जितम। भगवान वैकुंठ से गए थे ना, तो जो मिट्टी का उस टुकड़ा मिला उसी से भगवान ने उसका मिट्टी का घर बना दिया, लेकिन भोजन दिया नहीं, तो भोजन की सामग्री थी वहाँ। तो जब उसने अपना घर देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं, हैं, चना दाल चावल कुछ था ही नहीं। तब वो घर से निकलकर मेरे पास आई, घर से निकलकर मेरे पास आई। गृहम यावन निरीक्षित है न किंचित तत्र पश्यति तावन गृहान निष्क्रांता मम अंते चागता द्विजय। बड़े क्रोध से भरी वो ये वचन बोली कि हे जनार्दन, मैंने अनेक व्रत किए उपवास करके, हैं, सब लोगों के स्वामी जो आप हैं उनके आराधना की, हे जनार्दन, फिर मेरे घर में कुछ भी धान नहीं है। सुन रहे सब लोग, उसने गुस्से में कहा कि मैंने आपकी इतनी आराधना की और मेरे घर में कुछ भी धान नहीं है। क्रोधे रे महाताविष्टा तुदम वचनम अब्रवीत मया व्रतैश कृच्छैश्चा उपवास है रनेक सहा पूज्य आराधितो देवा सर्वलोकस्य भावना न धनम दृश्यते किंचिन गृहे ममे जनार्दन। तब मैंने उससे कहा, मैंने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, किसको सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं भगवान कृष्ण, किसको सुना रहे हैं, ये कथा आप भगवान कृष्ण अपनी किसको सुना रहे हैं, नारद मुनि को सुना रहे हैं, अब अर्जुन को अर्जुन की याद आ रही है यहाँ पर अर्जुन नहीं है, नारद जी पूछ रहे हैं। तो नारद जी वो भगवान कृष्ण नारद जी को सुना रहे हैं, हैं कि मैंने उससे कहा, नारद जी को मैंने उससे कहा, किससे कहा, वो ब्राह्मणी जो अभी अभी वैकुंठ में आई है, बिल्कुल है, उसको फ्रेशर बोलते हैं, फ्रेशर नवागंतों की है ना, फ्रेशर है वैकुंठ में, कहती मेरे घर में कुछ भी नहीं है, है ना, है ये क्या किया आपने, मुझे घर दे दिया, अच्छा घर में कुछ नहीं है, तो वो जो है शिकायत कर रही है। तब मैंने उससे कहा कि तू बहुत शीघ्र अपने घर को जा और बड़े कौतूहल से देवताओं की स्त्री आएंगी। भगवान ने क्या कहा, तू जल्दी अपने घर जा, और देवताओं की स्त्री, देवता मतलब वैकुंठवासी, जो वैकुंठवासी देवता हैं, क्योंकि नई एक जो है स्त्री आई है तो आएंगे ही दर्शन करने, भी वैकुंठ में कोई आया है, हैं, कोई आसानी से तो कोई वैकुंठ जाता नहीं है, अब कोई वैकुंठ चला जाए तो उसका फिर विशेष परिचय होता है ना, मिलना जुलना तो होता है, तो स्त्रियाँ आएंगी, वैकुंठ की स्त्रियाँ आएंगी तेरे दर्शन के लिए आएंगी, बड़े कौतूहल से आएंगी, देवताओं की स्त्री आएंगी। ततश्चोक्ता मया सा तो गृहम गृह गच्छ यथागतम आगमिष्यन्ति सुतराम कौतूहल समन्विता। जब वैकुंठ की स्त्रियाँ विस्मयुक्त होकर तुझे देखने को आवें तब तुम द्वार मत खोलना, क्या नहीं करना, द्वार नहीं खोलना, अब तेरे दर्शन के लिए आएंगी तो तू द्वार नहीं खोलना, क्या समझे, भगवान कह रहे हैं द्वार नहीं खोलना, अब तेरे दर्शन के लिए आएंगी तो अंदर से द्वार बंद कर लेना, तो द्वार नहीं खोलना। और षटतिला एकादशी का पुण्य मांगना, षटतिला एकादशी का पहले पुण्य दो तब द्वार खोलूंगी। भगवान ने इस ब्राह्मण से कहा, क्या कहा, क्या कहा, तब मैं द्वार खोलूंगी, अगर तब भी आप मुझे, तभी आप मुझे देख पाओगी, नहीं तो आप मुझे देख नहीं पाओगी, मुझे षटतिला एकादशी का पुण्य देना। देवपत्न स्तुताम दृष्टुम विस्मय न समन्विता द्वारम दो घाटनीयम ही षटतिला पुण्य वाचना। तो भगवान द्वारा ऐसे कही गई, वह मानुषी जब अपने घर में गई तो ये जो स्त्री है ये अपने उसी रूप में गई वैकुंठ में, मतलब उसका वैकुंठ का रूप प्राप्त होता है ना, शरीर छोड़ करके सामान्य
जो विधि है वैकुंठ जाने की, तो ये भौतिक शरीर छोड़ करके और वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और उसी से सब लोग वैकुंठ जाते हैं। स्त्रियों को लक्ष्मी जैसा शरीर मिलता है और पुरुषों को भगवान जैसा शरीर मिलता है। वो भगवान नहीं होते, वो सेवक ही होते हैं भगवान के, लेकिन भगवान जैसा शरीर मिलता है। स्त्रियाँ भी लक्ष्मी नहीं होती, सेविकाएँ होती हैं, लक्ष्मी जैसे सुंदर शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ये ब्राह्मणी जो है तपस्या के द्वारा इतनी शुद्ध हो गई थी कि अन्न भी नहीं खाती थी, तो शरीर भी इतना आध्यात्मिक हो गया था, इसी शरीर से चली गई। तो सब जो है वैकुंठ की स्त्रियाँ जो है सोचती हैं कि एक मानुष्य वैकुंठ में आ गई है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई जो है अपने मनुष्य रूप में वैकुंठ नहीं जाता, तो कोई जो है मानुष्य आ गई है वैकुंठ में, चलो देखें दर्शन करें। तो भगवान कहते हैं कि तुम दरवाज़ा बंद कर लेना, अंदर से बोलना। क्या बोलना? षटतिरा एकादशी का पुण्य दे दो, तब मैं द्वार खोलूँगी, तब आप मुझे देख पाऊँगी। तो जब वो मानुषी जो है अपने घर गई, तो हे नारद, उस समय देव पत्नी आई, वैकुंठ की स्त्री आई। एवं मुक्ता गतासा तो यदा वह मानुषी तदा अत्रांतरे समायाता देव पत्नी अश्च नारद। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो, हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो। इन्होंने कहा देवपत्नियों ने कहा, वहाँ रहने वाली देवपत्नियों ने कहा, हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो। हे सुंदरी, हम तुमको देखेंगी। ताभिश्च कथितम तत्र त्वाम दृष्टुम भी समागता द्वारम उद्घाटय त्वम च पश्यामस्त्वाम शुभानने। तो वो मानुषी बोली कि तुम मुझे देखना चाहो तो शर्तिला का पुण्य मुझे दो, तो मैं द्वार खोलूँ। भगवान से, भगवान ने बता दिया था कि क्या बोलना है, तो क्या बोली वो ना, तुम मुझे देखना चाहती हो तो शर्तिला का पुण्य मुझे दो, तब द्वार खोलूँगी। यदि दृष्टुम मया कार्यम सत्यम वाच्यम विशेषतः ददंतु शर्तिला पुण्यम द्वारोद्घाटन कारण। शर्तिला का पुण्य चला जाएगा, इसलिए कोई उत्तर नहीं दे रही। वहाँ की जो है जितनी स्त्रियाँ हैं कोई जवाब नहीं दे रही, ये हम शर्तिला का पुण्य दे दें, क्यों दे दें, है ना। तो कोई नहीं बोली। एक देवी ने कहा, हम तुम्हें मानुषी देखना चाहती हैं, इसलिए शर्तिला का पुण्य मैं दूंगी, खोल दो। एक बोली, सब नहीं बोली, एक बोली शर्तिला का पुण्य मैं दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, द्वार खोलो, शर्तिला का पुण्य दूंगी। एक आपी तत्र नावादीन शर्तिला व्रत नामतः अन्यया कथितम तत्र द्रष्टव्या मानुषी मया। उसके बाद द्वार खोल करके उन्होंने उससे मानुषी को देखा, तो देवी नहीं है, गंधर्वी नहीं है, आसुरी नहीं है, पन्नकी नहीं है, पहले तो साधारण नारी जैसी ही दिखाई दी। ततो द्वारम समुद्घाट्य दृष्टाता भिश्च मानुषी न देवी न च गांधर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टा पूर्वम मया नारी यदृशी साधु जर्षभ। फिर वो क्षण मात्र में ही रूप और कांति से युक्त हो गई, उसके घर में धन धान्य वस्त्र सोना चांदी सब हो गए। एक क्षण में, एक क्षण में क्या हो गया, मनुष्य का शरीर चला गया और कैसा रूप हो गया, बिल्कुल सुंदर देवी का रूप हो गया उसका एक क्षण में। एक क्षण कितना होता है, चार मिनट कितना होता है, चार मिनट में क्या हो गया, पूरा कायाकल्प हो गया उसका, उसका मनुष्य का जो शरीर है बदल गया, शरीर नहीं छोड़ा उसने, मनुष्य का शरीर ही बदल गया और क्या हो गया, वैकुंठ का शरीर मिल गया, वैकुंठ का शरीर मिल गया और उसके घर में सब कुछ आ गया, जो खाली था ना घर, सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया, धन धान्य चांदी सोना सब वस्त्र सब कुछ आ गया, घर खाली था पूरा। रूप कांति समायोक्ता छड़े न समपद्यत धनम धान्यम च वस्त्रादि सुवर्णम रौप्यमेव च। हाँ, तो
ये बताया है कि सरतला के प्रभाव से उसका घर सब वस्तुओं से संपन्न हो गया। तो सरतला का भगवान ने कहा था कि तुम सरतला का पुण्य मांगना, तो सरतला का कितना महात्म्य है, सरतला का कितना महात्म्य है, वैकुंठ जाकर के भी उसको सरतला का पुण्य मांगना पड़ा, इस तरह से हुआ है ना। तो ये मतलब महात्म्य है इस सरतला एकादशी का कि जो है इस एकादशी को जो है तिल का दान करने से सब पाप छूट जाते हैं, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। अनेन विधिना राजन तिलदान आदर्शन से हा मुचते पात कैसर वैर नात्रकार या विचारण। जो अच्छी भांति विधि पूर्वक दान दिया जाए तिल का दान, तो सब पापों का नाश हो जाता है, ना कोई अनर्थ होता है, ना शरीर में कोई खेद होता है। दान हम चा विधिना सम्यक सर्व पाप है प्रणाशनम ना नर्त भूतो ना आसा शरीर ए मुनि सत्तम। तो सरतला एकादशी का महात्म जो हमने सुना, तो इस महात्म्य कुछ बातें आई हैं। तो हम लोग जो है ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सब कुछ करेंगे। अब कोई तिल का दान करता है तो भी अच्छा है, कोई करता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम कोई इसमें अपना आग्रह नहीं करते कि भाई तिल का दान करो। तो कल जो है एक श्री राधिका नाम की देवी हैं, तो उन्होंने जो है 6 पैकेट हमको तिल दिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब आज के लिए कहा, तो कल बोली थी आज के लिए कि सरतला एकादशी के दिन 4 आल्टर हैं, एक है गौरनेताई का आल्टर, दूसरा राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा का, तीसरा सीताराम लक्ष्मण हनुमान का, और चौथा लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज। तो 4 आल्टर हैं, तो 4 आल्टरों में एक एक पैकेट जो है तिल का दान कर देना। तो मैंने कर दिया, और 2 पैकेट जो है उन्होंने दिए हमारे लिए, तो हम भी जो है उसको जो है भोग लगाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो इस तरह से सरतला एकादशी का मतलब है तिल का दान भी करना, तिल से स्नान करना, तिल का भोजन करना, तिल का उपटन लगाना, ऐसे 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होता है। कोई करे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हमारा कुछ वो नहीं है कि भाई ज़रूरी है कि करना पड़ेगा। ज़रूरी तो बस यही है कि आप अन्न का त्याग करो एकादशी के दिन, और जो है कृष्ण का भजन करो, जो आपके नियम हैं, जो प्रभुपाद ने दिए हैं भक्ति के नियम, तो उनका पालन करो, और जो है कोई अपराध ना हो, ठीक है ना, तो अपराध से बचो, यही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई मंथन, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न पूछूं जी। दिल्ली का नाम, वैसे प्रभुपाद ने दिल्ली को हस्तिनापुर माना है पहले से, लेकिन हस्तिनापुर अभी जो पता चला, मतलब हस्तिनापुर पहले से ही वो है एक स्थान, जो कि हस्तिनापुर पहले से था, हस्तिनापुर अभी भी है, वो गंगा के तट पर है, जहाँ पर शुकताल है, तो वो हस्तिनापुर पहले से है। और दिल्ली वास्तव में इंद्रप्रस्थ है, पहले का इंद्रप्रस्थ है ये दिल्ली, है ना। तो इंद्रप्रस्थ जिस समय हस्तिनापुर में जो है राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे, और महाराज पांडु का वो राज्य था, धृतराष्ट्र ने ले लिया था हस्तिनापुर का राज्य, क्योंकि महाराज पांडु को जो है पांडु का शरीर छूट गया था, तो धृतराष्ट्र ने राज्य ले लिया था, और धृतराष्ट्र को फिर हस्तिनापुर का राज्य सौंपना था पांडु के पुत्रों को जब बड़े हो जाएं। तो फिर धृतराष्ट्र की जो है नीयत खराब हुई, दुर्योधन जो उनके पुत्र हैं उनके साथ में षड्यंत्र करके इनको जो है लाक्षागृह में भेज दिया, जिसमें आग लगना था, और ये लोग जो है सब जल के मर जाते, 5 पांडव कुंती।
लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वो जो है बच गए और जो है अपने को छिप करके रहते थे। तो एक चक्रा नगरी में रहे छिप करके कई साल, और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो राजा द्रुपद के यहाँ पर इन्होंने जो है लक्ष्य वेधन किया और द्रौपदी से विवाह किया। तो पांच पांडवों का जो है द्रौपदी से विवाह हुआ, और उस समय जो है फिर सबकी दृष्टि में ये आ गए कि ये पांच पांडव हैं जो कि समझे जाते थे कि लाक्षाग्रह में जल गए, जल के मर गए। तो पांच पांडव और कुंती जो है अब कई सालों के बाद प्रकट हो गए, है ना। तो फिर अब चर्चा चली कि भाई इनको राज्य इनको मिलना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिलना चाहिए और धृतराष्ट्र जो है अपने गद्दी से उतरें और युधिष्ठिर महाराज को गद्दी दें। लेकिन इनकी नीयत बहुत ख़राब थी, धृतराष्ट्र की भी ख़राब नीयत थी और इनके पुत्रों की भी नीयत ख़राब थी। तो ये कहा गया कि भाई इनको पांडवों को भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए और ये भी धृतराष्ट्र भी राजा बने रहें, अपने पुत्रों के साथ में राज्य करें और पांडवों को भी कुछ ज़मीन दे दी जाए। तो जो इंद्रप्रस्थ, जो पहले खांडवप्रस्थ इसका नाम था, जंगल था ये, तो इसको ये जो है उन्होंने दे दिया। तो ये भी जो है उनकी दुर्भावना के कारण था कि जो जंगल का स्थान है इसमें आप रहो, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से फिर जो है जो खांडवप्रस्थ है वो भी जो है बहुत बढ़िया बस गया, है ना। तो वास्तव में फिर खांडवप्रस्थ से इसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ। तो इतिहास है ये इंद्रप्रस्थ का, तो ये आध्यात्मिक नाम पहले से है जो शास्त्रों में। हाँ जी, आपने बताया कि जो है वैकुंठ में स्त्रियों का रूप लक्ष्मी की जैसा है और पुरुषों का भगवान के रूप जैसा है, तो क्या यही सारूप्य मुक्ति इसको हम कह सकते हैं? हाँ, ये सारूप्य मुक्ति है। वैकुंठ में जो है जो पुरुष होते हैं तो उनको भगवान का सारूप, भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है, ये सारूप्य मुक्ति है। और सारूप्य मुक्ति में भी जो है कुछ विशेष होती है सामीप्य मुक्ति। तो सारूप्य तो मिल गया, लेकिन फिर उसको सामीप्य भी, भगवान के समीप भी अगर वो रहते हैं तो और विशेषता होगी, सामीप्य भी मिल जाता है। सारूप्य मुक्ति मिल गई और फिर सालोक्य मुक्ति, सारूप्य के बाद सालोक्य। एक तो भगवान जैसा रूप मिल गया, फिर उसके भी ऊपर दूसरी मुक्ति है सालोक्य। तो वो सारूप्य के साथ साथ सालोक्य मन में भगवान के लोक में रहते हैं, फिर उससे भी और विशेषता कि सारूप्य भी है, सालोक्य भी है और सामीप्य भी, भगवान के समीप भी आ गए, तो और विशेषता है। हाँ, पुनरागमन नहीं है, जो वैकुंठ में इस तरह से जाते हैं पुनरागमन नहीं। एक सेकेंड, और किसी कोई प्रश्न है? एक ही प्रश्न, एक ही व्यक्ति का प्रश्न हो रहा है, और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है, चलो आप बोलो, आपका है? हाँ, आप बोलो। तो जैसे कि लंदन में कृपा जी गए थे तो लंदन के ईश्वर को उन्होंने कृपा जी नाम दिया था, लंदन ईश्वर। हाँ, तो लंदन शहर को नाम नहीं दिया, या लंदन शहर को भी नाम दिया होगा, लेकिन वो अर्चा विग्रह को राधा लंदनेश्वर नाम दिया, राधा पेरिसेश्वर। तो दिल्ली के जो ईश्वर है राधा वल्लभ जी हैं, राधा पार्षद। दिल्ली के राधा पार्षदी हैं, राधा पल्लव हैं। कौन है हैं? यहाँ के कौन ईश्वर है दिल्ली शहर? दिल्ली शहर से बहुत हैं। ये तो शहर की बात नहीं है, जो पेरिसेश्वर जो एक मंदिर है राधा पेरिसेश्वर, अगर दूसरा मंदिर बनेगा तो दूसरा नाम दिया जाएगा। तो पेरिस और लंदन में जो है भगवान को लंदनेश्वर और पेरिसेश्वर जो कहा गया, तो प्रभुपाद की ये भावना थी कि वहाँ की स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं, लंदन की स्त्रियाँ बड़ी सुंदर हैं, पेरिस की स्त्रियाँ बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान को जो है वो स्त्रियाँ जो है मिल जाएंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रभुपाद की ये भावना कि भगवान ही भोगता है, जो कोई सुंदर स्त्री देखो आप तो सोचो कि ये कृष्ण की जो है ये प्रेसी बन जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये जो है भावना होती है भक्त की। कोई भक्त है वो किसी सुंदर स्त्री को देख के सोचता है कि ये मेरी बन जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए,
है ना, जो भक्त होता है किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो सोचता है कृष्ण की पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो सेवा की भावना रहती है, तो प्रभुपाद की सेवा की भावना थी। परेश में कृष्ण को भेज दिया और परेश को नाम दे दिया, परेश की स्त्रियाँ हैं जो अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियाँ हैं भगवान को मिल जाए, अच्छा ये भावना है। ठीक है जी, अच्छा आप आपका प्रश्न था कि जैसे भक्त जो है वो ये पांच प्रकार की मुक्ति ये भी नहीं चाहता, ऐसा है कि पांचों प्रकार की मुक्तियाँ नहीं चाहते, ये भी है कि पांचों प्रकार की मुक्तियाँ नहीं चाहते, दिए नाम दिए मानम ग्रहण दिए बिना मत सेवनम, बिना मेरी सेवा के बिना नहीं चाहते, अगर भगवान की सेवा मिले तो फिर कुछ भी, यह है ना कि देते देने पर भी नहीं चाहते, है ना, तो अगर वो ऐसे सोचते भाई इस तरह से मैं मुक्ति प्राप्त कर लूँ और अब भगवान की सेवा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो भक्ति की भावना नहीं है। सेवा के साथ जो है कोई भी मुक्ति मिल जाए और ना मिले मुक्ति तो सेवा मिल जाए, तो सेवा मिले तो नरक में भी अगर आप भेजें तो नरक में भी जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना, चाहे स्वर्ग में मिल जाए जगह, चाहे नरक में जगह मिल जाए, लेकिन सेवा मिल जाए, तो मुख्य बात यही है। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य थी माम स्मर लोकनाथ, कि अपने दास के दास के दास के दास के रूप में मेरा स्मरण करो, तो ये जो है मतलब मत प्रार्थन ये मत अनुग्रह ये है, शुरू में क्या है मत प्रार्थन ये मत अनुग्रह ये है, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, कि मेरी यही एकमात्र कामना है कि आपके दास के दास के भी दास के भी उसके भी नीचे दास और उसके भी नीचे दास के रूप में मेरा स्मरण करिए आप, तो यही जो है मतलब भक्ति है। और अगर कोई सोचता है कि मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, है ना, और इस प्रकार से मैं भगवान की भक्ति छोड़ करके मुक्ति कोई पाना चाहता है तो उसकी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। कोई सोचता है कि मुक्ति पाने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए तो भक्ति उसकी शुरू ही नहीं हुई कि मुक्ति पाने के लिए भक्ति कर रहा है, कि वो सोचता है मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ बाद में मुक्ति मिल जाएगी तो भक्ति छोड़ दूँगा, तो भक्ति छोड़ दूँगा ये सोच करके कोई भक्ति करता है तो उसकी भक्ति शुरू ही नहीं होती। इसलिए निर्विशेषवादी शून्यवादी निराकारवादी इन सब का जो है खंडन है आपको करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, इनका जो है खंडन करना चाहिए, तो वो यही सोचते हैं कि हम फिर निराकार में एक हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, तो भक्ति जो है शुरू करने के लिए आपको जो है तत्व जानना जरूरी है कि हमारा जो स्वरूप है वो भगवान के सेवक के रूप में, वो नित्य दास है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, नित्य दास का मतलब है मुक्ति के बाद भी जो है मैं उनका सेवक ही हूँ, तो इसलिए मुक्ति से ऊपर है भक्ति, मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे हेतु की भाई, कि जन्म जन्म में मुझे आपकी हेतु की भक्ति प्राप्त हो, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद। श्री सत्यलय एकादशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना तरीका बहुत ही सुंदर तरीके से शक्ति लगना सीखी व्याख्या की और प्रभुपाद ने हमें सही प्रभु ने पढ़ के सुनाया और बताया है, तो प्रभु के लिए हम लोग एक बार चौड़े से महामंत्र लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री प्रभुपाद की निगाहें।